फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो विद रत्का। और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड रत्का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ स्किन वाइटनिंग एंड स्किन टाइटनिंग फेस पैक। बहुत ही सिंपल मेथड है और ज़्यादा आपको कुछ खर्च नहीं करना है। जो हम घंटों पार्लर जाकर फेशियल कराते हैं, बहुत ज़्यादा हमें रुपए देने पड़ते हैं, तो बहुत कम खर्चा कर बहुत ही सिंपल मेथड से आप घर पर अपनी स्किन को वाइट कर सकते हैं, अपनी स्किन को टाइट भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आपको इस फेस पैक को यूज़ करना है, कैसे बनाकर रेडी करना है। बट उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस भी कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। स्किन वाइटनिंग एंड स्किन टाइटनिंग फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक प्लास्टिक का या फिर कांच के बाउल में ले लेना है एक चम्मच बेसन। बेसन को हम सदियों से इस्तेमाल करते हैं खूबसूरती के लिए, हमारे स्किन को फेयर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही बहुत अच्छा फेस वॉश का भी वर्क करता है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, ये एवर यूथ का है, और अगर आपके पास कोई और ब्रांड का है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्पून इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाव का एलोवेरा जेल और पील ऑफ मास्क, इसे हम एक स्पून के बाउल में ऐड कर देंगे। ये वाव का एलोवेरा जेल पील ऑफ मास्क बहुत अच्छा है, अमेजिंग रिजल्ट है इसका। और दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है आज का हमारा स्किन वाइटनिंग टाइप। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये फेस पैक बनाकर रेडी कर लिया है और आपने देख लिया है कि इसे कैसे बनाना है। सिर्फ तीन चीज़ों को यूज़ करके हम इस फेस पैक को बनाकर रेडी कर लेंगे, तो अब हम इसे यूज़ करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को करना है अच्छे से क्लीन। आप चाहें तो फेस वॉश कर लीजिए, बट मैं यहाँ पर रोज़ वाटर से मेरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। चलिए गाइस, मेरा मेकअप हो चुका है रिमूव और अब ये जो फेस पैक है इसे हम पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे। बट ध्यान रखिए, आपको इसको अपनी आईब्रोज से आई एरिया को इस तरीके से छोड़ते हुए अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारा पील ऑफ मास्क है। ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा इसके बाद ही हम इसे रिमूव करेंगे। तो अभी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, आप फैन की हवा में बैठ जाइए। तो ये फेस पैक ड्राई हो चुका है, तो अब मैं इसे पील ऑफ करके निकालना स्टार्ट करूंगी। तो ये पील ऑफ मास्क हमने बनाया था तो ये इसी तरीके से निकलने वाला है, और आप इसे चिन एरिया की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में से निकालना स्टार्ट कीजिए। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, शायद आपको देखने से ऐसा लगे कि पेनफुल है बट ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। इस फेस पैक को लगाने के बहुत ही फायदे हैं, ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, आपकी जो भी टायर्ड पैची डस्टी स्किन हो रही थी उसको रिमूव करता है, आपको इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग देता है, साथ ही आपकी स्किन को टाइट करता है और आपके फेस पर एक इतना अच्छा ग्लो लेकर आता है जो आपको पार्लर का महंगा से महंगा फेशियल भी नहीं दे सकता है। जो आप घंटों पार्लर में अपना टाइम देते थे, ये हमें बहुत ज़्यादा रुपए भी खर्च करने पड़ते थे, तो अपना तो टाइम खराब करना है ना, तो हमें अपना मनी वेस्ट करना है, तो आप इस फेशियल को एक बार ट्राई जरूर। तो गाइस, मैंने यहाँ पर फेस मास्क को रिमूव कर दिया है और इसके बाद हमें नॉर्मल पानी से अपने फेस को कर लेना है वॉश, और कोई भी फेस वॉश वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है। जब आप इस तरीके से फेस मास्क को यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगी इंस्टेंट वाइटनिंग स्किन, साथ ही साथ आपकी स्किन टाइट बनेगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा आप डस्टी फील कर रहे हैं, आपकी स्किन पर बेजान सी आपकी स्किन फेस हो रहा है आपका, तो आप इस फेस पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वन टाइम यूज़ में ही आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई रियली होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे, आप सबको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।